नो एंट्री का सीक्वल जो है वो बहुत ही समय से एक लंबे चर्चा में बना हुआ था कि इसका पार्ट टू आने वाला है और फिल्म पहले से बहुत ही ज्यादा दमदार होगी, लेकिन नतीजा ये निकला कि कुछ दिन पहले सलमान खान ने एक घोषणा कर दी कि बहुत सारे लीगल राइट्स के चलते, कॉपीराइट्स के चलते, कानूनी पचड़ों के चलते मैं इस फिल्म से दूरी बना रहा हूँ। सलमान खान ने ये बात कही थी, हालांकि ये बात पूरी तरह से झूठ है, सलमान खान ने इसमें गलत बात कही थी। असली बात जो है वो बोनी कपूर ने बता दी है और एक तरह से सलमान खान की पोल खोल कर रख दी है और ये कहा है कि ये फिल्म मैं सलमान खान के बिना ही बनाऊंगा और बनाकर रहूंगा, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने देखने को मिल रही है उस हिसाब से सलमान खान और बोनी कपूर के बीच में एक जबरदस्त दुश्मनी ठन चुकी। पहले अर्जुन कपूर ने सलमान खान की बैंड बजाई, उनकी भाभी को ही ले उड़े, अब पिता बोनी कपूर भी सलमान खान की बैंड बजाने पर अड़ गए हैं। दरअसल नो एंट्री को लेकर जो सीक्वल वगैरह की बात चल रही थी वो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सलमान खान इस बात पर अड़ गए कि वो फिल्म का पूरा प्रोडक्शन ही हैंडल करना चाहते हैं। ये बात बोनी कपूर के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि नो एंट्री जो है ये बोनी कपूर के प्रोडक्शन वाली फिल्म है और पार्ट टू भी उन्हीं के प्रोडक्शन में बनी थी, तो सलमान खान इस प्रोडक्शन का पूरा हैंडल कैसे कर सकते हैं। सलमान ये भी डिमांड कर रहे थे कि नो एंट्री के नेगेटिव्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी सलमान खान को दे दिए जाए। इसके अलावा नो एंट्री के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स भी सलमान खान को दे दिए जाए। अब सलमान की इन्हीं बातों से बोनी कपूर बुरी तरह से चिढ़ गए और नाराज हो गए और सलमान खान को आप ये कह सकते हैं कि बोनी कपूर ने इस फिल्म से निकाल दिया है। सलमान खुद नहीं निकले हैं, बोनी कपूर ने इस फिल्म से सलमान को बाहर निकाल फेंका है और ये कहा कि मैं सलमान खान के बिना ही इस फिल्म को बनाऊंगा। मतलब सिंपल सी बात है कि आप कितने ही बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, कितने ही पैसे क्यों ना हो, अगर किसी के प्रोडक्शन की फिल्म है तो उसके ऊपर आपका अधिकार कैसे हो सकता है अगर सामने वाला उस अधिकार को आपको देना ही नहीं चाहता है, आप जबरन उससे लेना चाहते हो क्योंकि इंडस्ट्री में आपकी धाक जमी हुई है। अब फिल्म के राइट्स को लेना सलमान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था, इस वजह से सलमान खान ने इस फिल्म से दूरी बना ली थी। असली वजह यह है जो बोनी कपूर ने बताई है। सलमान खान ने तो बोनी कपूर को धन्यवाद भी कहा था कि 2009 में अगर उन्होंने वांटेड फिल्म नहीं बनाई होती तो उनका पूरा करियर डूब गया होता। उनके करियर को पटरी पर लाने का असली काम बोनी कपूर ने किया है। सोच लीजिए कि जिस इंसान ने सलमान के डूबते करियर को चार चांद लगा दिए, पटरी पर लाकर रख दिया, उसी बोनी कपूर से सलमान खान इस तरह की डिमांड कर रहे थे, बताइए। उसके बाद भी लोग सलमान खान की तारीफ कर रहे हैं कि भाईजान ऐसे हैं, भाईजान वैसे हैं, तो ये अपने में बहुत ही बेकार बात है यार। मतलब ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि किसी की प्रॉपर्टी को आप जबरन अपने अधिकार में लेने की कोशिश कर लो अगर वो देना नहीं चाहता है। तो बोनी कपूर ने जो भी किया बहुत सही किया।